जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, वेलकम है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर में। आज 25 जून 2023 है और आज कंडक्ट करवाया गया है टैट नॉन मेडिकल का एग्जाम, जिसको हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। मॉर्निंग सेशन में आपका ये 25 जून को एग्जाम हुआ था, जिसमें आज हम मैथमेटिक्स के पोर्शन को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ कवर करने वाले हैं। साथ में आंसर की मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको पूरा का पूरा मैथ सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को जो है वो हिट कर सकते थे। सो ये हमारे किसी एक स्टूडेंट्स ने जो है वो हमें एक क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रोवाइड करवाया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो 91 क्वेश्चन है हमारा। तो 91 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, 91 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, 3 की पावर x माइनस 3 x माइनस 1, और ये दिया गया था 486। तो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्यूशन नहीं बताता है तो आपको टैट के एग्जाम में हिट एंड ट्रायल का मेथड जो है वो यूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि आप ऑप्शन की हेल्प से उसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करें। तो देखिए, यहां पर मैं एक्स की वैल्यू को क्या लिखूं, यानी कि मेरे पास दिया गया था 3 की पावर x माइनस 3 x माइनस 1, यानी कि अगर मैं x की पावर को यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 6 लिखता हूँ, 7 लिखता हूँ या फिर 9 लिखता हूँ, तो किसके सॉल्यूशन से 486 मेरे पास आंसर बनता है। तो देखिए, ये किसी स्टूडेंट ने जो है वो यहाँ पर ट्राई किया है इसको हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि जो आपका टैट का पेपर है उसमें 2.5 घंटे आपका पेपर है, 150 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि बंदा उसमें जो है वो सो कर भी उठ सकता है, इतना टाइम आपके पास वहां पर रहता है। तो आपको हिट एंड ट्रायल का यहां पर यूज करना था। तो देखिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू को 6 यहां पर फिल करता हूं, जस्ट अ सेकंड, तो अगर मैं यहां पर एक्स की वैल्यू को अगर मैं 6 फिल करता हूं, जैसे कि 3 की पावर आ जाएगा 6 और माइनस यहां पर आएगा 6 माइनस 1, यानी कि 3 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 की पावर आप 6 कर लीजिए और उसके बाद 3 की पावर 5 कर लीजिए, तब दोनों का जो आपका गैप निकलेगा वो आपका कितना आएगा, 486 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो मैं यहां पर 3 इंटू जो 3 की पावर 6 है उसको मैं यहां पर करता हूं, कितना आंसर आना था, तो 3 की पावर जब मैं 6 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 729, ये मैंने लिख दिया, 3 की पावर 6 जब किया तो ये बन गया 729, और माइनस करना है मेरे को कितना, 3 की पावर 5, तो यानी कि मेरे को 243 जो था वो इसमें से क्या करना था, माइनस कर देना था, तो आंसर कितना आ जाना था, 486 आंसर आ जाना था। तो यानी कि ऑप्शन सी जो था इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप देखें तो एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको आंसर की तो बताऊंगा लेकिन साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो आपके डिफरेंट एग्जाम की भी तैयारी जो है वो यहां पर हो पाएगी। तो देखिए, 92 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था कि एक जो धनराशि है वो 12 सालों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 12 सालों के बाद, यानी कि टाइम कितना दे दिया, 12 साल दे दिए, तो 12 सालों के बाद जो है वो कितना, इसका जो राशि कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर मैंने 1 रुपये बैंक में जमा करवाए तो 12 सालों के बाद मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, 2 रुपए मिलेंगे। तो ये चीज मेरे को पता चल गई। अब मैंने जमा कितने करवाए, 1 रुपये, यानी कि मेरे को प्रिंसिपल कितना मिल गया, 1 मिल गया। टाइम मेरे को कितना दिया गया है, वो दिया गया है 12 साल। अब बात आ जाती है एसआई की, ठीक है जी। एसआई यानी कि जब मैंने बैंक में 1 रुपया जमा करवाया, 12 सालों के बाद वो किस में चेंज हो गई, 2 रुपए में चेंज हो गई, यानी कि 1 रुपया तो मेरा अपना है लेकिन 1 एक्स्ट्रा रुपया किसने डाला, तब 2 बने, 1 एक्स्ट्रा रुपया किसने डाला, बैंक वालों ने डाला, किसकी फॉर्म में, ब्याज की फॉर्म में, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला मेरे को, 1 रुपया मिला। तो बस आपका हो गया क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, फॉर्मूला होता है SI is equal to PRT, SI दिया गया था 1, P कितना 1, R आपको क्या करना है, वार्षिक ब्याज की दर आपको निकालनी थी और T
टाइम कितना दिया गया था 12 साल, नीचे आ जाएगा 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 100/12, और 12 से जब आप इसको कट करेंगे, चार के पहाड़े से आप काटिए कितना आएगा, 3 4 से काटा 25, 25/3 आएगा इसका आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे 8 3 24, 8 से ही 1/3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है, तो देखिए यूनिट आपको किलोमीटर में ही रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके सारे किस में थे, किलोमीटर में थे, तो आप इसको चेंज कीजिए, 2 किलोमीटर आपका एज इट इज रहा, 5 मीटर को चेंज कीजिए किलोमीटर में, 5 मीटर एज इट इज, किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड किससे करते हैं, 1000 से, तो आपका कितना बनेगा, 2 जमा 0.005, ऐड करेंगे तो 2.005 और ये आ जाएगा किलोमीटर, तो आपका आंसर कौन सा था, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट सबसे इजी क्वेश्चन है, देखिए आपको बोला गया है L और M क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो आपको X का मान ज्ञात करना है। देखिए यहां पर आप इस X को जब ध्यान से देखेंगे तो कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो कितने का कोण बनाती है, ये बनाती है 180 डिग्री का, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, 180 डिग्री का कोण किसने बनाया, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है वो कितने का कोण बनाएगी, 180 का। अब हुआ क्या कि यहां से एक लाइन खींची गई, ये इस तरीके से था, ये कोण कितने का है, ये है 115 का, तो ये भी कितना होगा, 115 ही होगा, तो 180 बनाना है मेरे को, 180 बनाना है, तो 115 में मैं कितने ऐड करूं कि वो कितना बन जाए, 180 बन जाए, तो 65 ऐड करने पड़ेंगे, और ऑप्शन ए जो था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था एलजेब्रा की फॉर्म में, तो देखिए a अपॉन b c अपॉन d इक्वल टू 5 दिया गया है, तो देखिए जो भी ऊपर वाली वैल्यू है उनका तो कितना आ गई वैल्यू, 5 आ गई, और नीचे मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, यानी कि a और c की वैल्यू कितनी है, a और c की वैल्यू दी गई है 5, और b और d की वैल्यू कितनी दी गई है, b और d की वैल्यू दी गई है 1, तो बस आपको इसमें क्या करना था, फिल करना था, a की वैल्यू 5 आ गई प्लस 4 गुणा c, c कितना था 5 था, नीचे आ जाएगा 3, b तो 1 है और d भी कितना 1 है, तो ये बनेगा 5 20, और 4 को 5 से करेंगे तो 20, और ये 15 कितने आ जाएंगे, 35, 35/7 कट जाएगा, तो आंसर कितना 7 5 35, 5 ऑप्शन सी क्या था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए उसके बाद है कुल कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं, बोला गया था कितनी टोटल जो है वो प्राइम नंबर है लेकिन इवन की फॉर्म में होने चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, ठीक है वो कौन सा नंबर है, वो है 2, ठीक है 2 भी है 3 भी है, ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जो अपने ही पहाड़े से जाते हैं, इसके अलावा जो है वो मल्टीपल की फॉर्म में आते हैं, लेकिन हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था इवन की फॉर्म, तो इवन वाला नंबर कौन सा, वो है 2, यानी कि सिर्फ एक ही जो रकम है वो एग्जिस्ट करती, तो कुल कितनी संख्याएं हैं, एक ही संख्या है, तो ऑप्शन कौन सा था, ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रेक करना था, 225 किस में टूटना था आपका, 225 आपका टूट जाना था 15 में, फिर 54 और 15 को आपको क्या करना था, ऐड करना था, ये बनना था 169, 169 के ऊपर अंडर रूट लगा था, तो ये आपका टूट जाना था सारा का सारा, यहां तक टूट जाना था 13 में, फिर 108 और 13 आपने ऐड करने थे, 108 और 13 आपके बनने थे 121, 121 बनने थे, 121 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है आपका 11 का, ठीक है जी, यहाँ से 11 का बनना था, 11 और 25 कितने, 36, 36 किसका होता है, 6 का होता है, 6 और 10 आपने ऐड करने थे, ये बनने थे 16, और लास्ट में 16 किसका होता है, वो होता है 4 का, तो आंसर क्या था इसका, राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 12 और 20 सेंटीमीटर दी गई हैं, क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो आपके पास जो ट्रायंगल दी गई है उसकी भुजाएं जो है वो सभी की सभी क्या है, अलग हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज आपके पास ये बनी है, और जब भी एरिया निकाला जाता है तो हीरोइंस फॉर्मूला आपके पास यूज किया जाता है, हीरोइंस फॉर्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका हीरोइंस का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो सबसे पहले एस निकालने का फॉर्मूला आता है, एस कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2, तो सम कितना आएगा 16 12 और 20, डिवाइड कर देंगे आप 2 से, सबको ऐड किया कितना बना 48/2, यानी कि एस की वैल्यू आ गई 24। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर सॉल्व किया किसी ने, ये अंडर रूट ले लिया,
उसके बाद ये आ गया आपके पास 24, फिर 24 में से 16 चले गए तो बचे 8, फिर बचे कितने 12, और फिर यहाँ पे 24 में से 20 चले गए तो बचे कितने 4। ये देखिए स्टेप दिया गया है आपके पास, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये कितना आना था आपके पास, 24 गुणा 8 गुणा 12 गुणा 4। तो देखिए जब भी इस तरीके की आपके पास एक सॉल्यूशन की फॉर्म में बनता तो आप कभी भी मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि आपके ऑप्शन ब्रेक की फॉर्म में दिए गए हैं। इसका मतलब है कि किसी भी ऑप्शन में अंडर रूट वाला सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहीं ना कहीं पे टूटेगी। तो आप इसको प्रैक्टिकली ही तोड़ के देखें, ये जो आपके पास 24 है इसको आप यहां पर तोड़ के लिख दें। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ठीक है जी, 12 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इस 12 को 12 से करूंगा कितना बनेगा, 144 बन गया। 8 को 2 से किया 16, 16 को 4 से किया कितना बन गया 64, और ऊपर क्या लगा है अंडर रूट। 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का, और 64 किसका अंडर रूट होता है 8 का। तो 12 8 कितने 96, ऑप्शन सी जो था वो इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है वो एवरेज की फॉर्म में या फिर एपीजीपी की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को भूल जाएं आप हिट एंड ट्रायल का यूज करें। देखिए nth नंबर के लिए आपसे वैल्यू पूछी गई थी, तो यहां पर आपको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा आपको नहीं लगाना है, आपको टू द पॉइंट चीजों को सॉल्व करना। तो देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी कि ये किसके इक्वल आएगा। तो आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने लिखा 1 का क्यूब प्लस फिर 2 का क्यूब, फिर मैंने लिखा 3 का क्यूब, फिर लिखा 4 का क्यूब, और फिर लिखा मैंने 5 का क्यूब, यानी कि ये वैल्यू आगे तक चलती जाएगी nth टर्म तक। तो मैंने के लास्ट वैल्यू मैंने कौन सी ले ली, 5 ले ली, ठीक है जी, लास्ट वैल्यू ले ली 5। अब इसको ओपन करो और फिर देखो सम कितना आता है, मैं आपको ऑप्शन से ही इसको निकालने की ट्राई करूंगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब कितना 125। सबको आप ऐड कीजिए, 125, 64, 27, 8 और 1, ये आपका कितना बनेगा, ये बनेगा 225। सबको ऐड करने पे कितना बना 225, यानी कि जब मैंने लास्ट वैल्यू क्या ली, n की वैल्यू 5 ली, तो आंसर कितना आ गया 225। तो आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को 5 भर के देखो और देखो कि 225 किस फॉर्मूले से निकल के आता है। देखिए जब मैं पहले में भरूंगा तो कितना बनेगा 5, और उसके आगे है n+1, n कितना है 5, 5 और 1 6/2, 6 × 5 = 30, 30 × 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब ऑप्शन बी हमारा हिट हो जाएगा, क्योंकि सेम फॉर्मूला और बाहर क्या दिया गया, स्क्वायर, जो भी आंसर निकल के आएगा 15 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 225। तो मैंने ऑप्शन से ही वैल्यू को निकाल दिया, ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए आपके पास क्या दिया गया था, कौन सा इसमें से आपको बोला गया है सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। कभी भी जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे 5 और 3 8, 6 और 2 8, तो ये इक्वल तो होती नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं। उसके बाद जो छोटी वैल्यू है या फिर जो मीडियम लेवल की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी आती है एज कंपेयर टू बिगर वैल्यू। यहाँ पर गैप काफी ज्यादा है इसलिए ये वैल्यू छोटी होगी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है हिट एंड ट्रायल का, ये भी यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना था, आप हल्का सा इसको सॉल्व कीजिए। पहली वैल्यू को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेना आपने 5, एलसीएम आ जाएगा 5 में से 1 चला गया, इस कॉन्सेप्ट का सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। फिर अगले को सॉल्व किया मैंने, एलसीएम लेंगे, सिर्फ 1 - 1/6 को सॉल्व करना है, 6 में से 1 चला गया कितना बचा 5/6, ठीक है जी। फिर 7 में से 1 चला गया कितना बचा 6/7, ये सीरीज ऐसे चलती जाएगी आगे तक चलती जाएगी। उसके बाद कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे लास्ट वाली वैल्यू को, 100 में से 1 चला गया 99/99 कितना आ जाएगा 100। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये 5 में से 5 कट रहा है, 6 में से 6 कट रहा है, इसका मतलब 7 में से 7 कटेगा, 8 में से 8, फिर 98 में से 98, फिर 99 में से 99 कटेगा। तो मेरे पास बचा क्या, यहां पर नीचे बचा 100 और ऊपर कितना बचा 4, तो मेरा आंसर आ गया 4/100। कट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/25, जो कि ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन, और हर बार आपके टैट के एग्जाम में जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा ही जाता है। तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ आपका इतना इजी था कि आप
30 में से लगभग जो है, लगभग जो अभी तक मैंने देखा उसमें से मैंने खुद जो है वो 29 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एक्यूरेट किए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो आपके 0.000035 ये किसके इक्वल है, तो देखिए आप इसको ओपन कीजिए, कितनी पॉइंट के आगे कितनी अक्षर है, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 जीरो लगेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऑप्शन को देखिए, 3.5 लगाया, यानी कि एक जीरो को हटा के यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट। तो नीचे जीरो कितनी बची, 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो बची। जब ये ऊपर जाएंगी तो 10^-5, तो 3.5 × 10^-5 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह विभाजित होती है, वैसे तो एलसीएम का क्वेश्चन था ये, लेकिन आप ऑप्शन से कीजिए क्योंकि 2.5 घंटे का आपका पेपर है। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो अपनी नींद पूरी करके भी उठ सकता है, इतना टाइम है आपके टैट के एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हिट कीजिए, आप इस पहली वैल्यू को 93 से डिवाइड कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, देखिए कि कौन सा पूरी तरह से जो है वो कट जा रहा है। तो हमारा 9951 जो था वो पूरी तरह से कटेगा। आप जब पहले को सॉल्व करेंगे, 9961 को सॉल्व करेंगे, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आपका दिमाग वहीं पे काम करना जो है वो शुरू कर देगा। तो ये कितनी बार कटेगा, 1 से जाएगा 93, फिर बचा 6, 5, 1 और फिर ये जाएगा किससे, 7 से, तो 651 आना था और ये पूरी तरह कट जाता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू कटती, 9951, ऑप्शन डी जो था वो इसका राइट आंसर था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट थीटा की वैल्यू दी गई थी 24/7। ठीक है, कोट थीटा दिया गया था, सीकेंट आपको निकालना था। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद, नीचे है हर हर बोले। अब हमें सीकेंट निकालना था, तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आ गया साइन कोस टैन, ये कोसिकेंट और सीकेंट। सीकेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास एच अपोन बी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इतना इजी क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री अगर किसी को नहीं भी आती तब भी वो क्वेश्चन कर सकता है। देखिए कोट की, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है बी अपोन पी। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है बी अपोन पी। और कोट दिया कितना गया था, कोट दिया गया था 24/7, तो इसका मतलब बेस की वैल्यू कितनी है, 24। तो सीकेंट में आपके पास अगर एच नहीं दिया गया कोई बात नहीं, बेस कितना दिया गया है, 24, यानी कि बटे में क्या आएगा, बटे में 24 आएगा। और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके बटे में क्या था, 24 था। तो डायरेक्ट आंसर आपको हिट करना था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना था। अगर आप इसको थोड़ा सा 25 को भी अगर इस वैल्यू को लेके आना चाहते हैं, तो आपका ये यहां पर जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बनना था, ट्रिपलेट रूल आप इसमें लगा सकते थे या फिर पाइथागोरस आप यूज करते, तब आपका ये आंसर यहां पर आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका ऑप्शन ए था, शून्य सबसे छोटी परिमेय संख्या, ये इसका जो था वो गलत था, ऑप्शन ए इसका आंसर आना था। उसके बाद 106 क्वेश्चन में बोला गया था अंडर रूट 2^x इक्वल टू 256। अंडर रूट 2^x इक्वल टू 256। तो देखिए यहां पर आपके पास था 256 को मैं किस में तोड़ सकता हूं, 2^8 में तोड़ सकता हूं। ये आ गया अंडर रूट 2^x और ये बन गया 2^ कितना, ये बन जाएगा मेरा 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, अब यहां पर मेरे को क्या करना था, रूट हटाना था, तो यहां पे क्या आना था, स्क्वायर आना था, 2^x इक्वल टू 2^16, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू कितनी, 16, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था ताश के पत्तों वाला, तो इसमें बोला गया था कि टोटल 52 पत्ते होते हैं, ये हमें पता है, और रंग लाल आना चाहिए। तो देखिए दो ही टाइप के पत्ते होते हैं जिसमें से 26 जो हैं वो लाल होते हैं और 26 जो हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो हमें लाल निकालना है, यानी कि 26 पत्तों में से कोई भी आ सकता है। 26 पत्ते कितने में से आएंगे, 52 में से आएंगे, क्या बनेगा,
एक बटा दो बनेगा। एक बटा दो किसके बराबर होता है, 0.50। आप इसको ओपन कर सकते हो, ये बनना था 50/100, 50 में से 100 गया 1/2, तो ये इसका क्या था राइट आंसर था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। उसके बाद था तीन संख्याएं जिनका एलसीएम दिया गया 120 और बोला था एचसीएफ वो नहीं हो सकता। एलसीएम और एचसीएफ आपस में कटते हैं, 8 के पहाड़े में 120 आता है इसलिए 8 नहीं होगा, 12 के पहाड़े में भी 120 आता है, 24 के पहाड़े में भी 120 आता है और 35 के पहाड़े में 120 नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी जो था इसका राइट आंसर था। उसके बाद देखिए 1/11 किसके बराबर है, तो ये हमारा सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे बार का हमारा क्वेश्चन था, तो बार आपको पता होनी चाहिए, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, तो 0.09 बार इसका जो था वो आंसर था, 0.09 बार, बार जब भी हटाते हैं तो नीचे 9 आता, तो देखिए 9 था ये, और जब भी बार हटाएंगे 9 के ऊपर बार है तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 0.9 तो ये किसमें टूटेगा, 9/10, जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे 0 आती है लेकिन जब बार हटती है तो नीचे 9 आता है। अब ये जो 0 ये जो पॉइंट है, पॉइंट के आ गए दो अक्षर हैं, दोनों के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि 2 बार 9 लिखा जाता है, तो ये 9 से 99 कट जाना था, 1/11 किससे आया 0.09 बार, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका हिट एंड ट्रायल का हो सकता था, अगर आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहते तो आप a²-b² का फॉर्मूला लगाते तब भी आंसर आना था, लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो ज्यादा इजी है। दो ऐसी संख्याएं जिनको माइनस करके कितना आता है 8 आता है और उनका स्क्वेयर करके कितना आता है 80 आता है, तो वो 9 और 1 ही हो सकती है, ठीक है। 9 का स्क्वेयर किया मैंने और माइनस 1 का स्क्वेयर किया तो कितना आ गया 80, 9 का स्क्वेयर 81, 81 में से 1 चला गया तो बचा कितना 80। अब संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं आ गई 9 और 1 आ गई 1। अब संख्याएं नहीं पूछी हैं हमसे, उनका क्या पूछा है, औसत पूछा है। औसत का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो दो संख्याएं इसलिए 2 से डिवाइड किया, ऊपर ऐड किया 9 और 1 10 और 10/2 का मतलब कितना होता है 5, जो कि आंसर क्या था आंसर डी इसका राइट आंसर था। उसके बाद देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आपका ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है एज का ऐसा, बोला था कि पिछले साल मेरी आयु जो थी वो पूर्ण वर्ग थी, अगले साल ये घन हो जाएगी, सिर्फ मैथ में एक ही क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इसके अलावा और ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता। बोला गया कि मेरी जो अभी प्रेजेंट एज है इससे जब मैं एक साल पीछे जाता हूं तो कोई एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, और इस वर्तमान एज से जब मैं आगे जाता हूं तो वो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है क्यूब है, तो वो एक ही वैल्यू है वो है 26, क्योंकि 26 के पीछे क्या आता है 25, ये किसी का स्क्वायर है, किसका 5 का स्क्वायर है, और 26 के आगे नंबर आता है कितना 27, और 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, तो अभी मेरी वर्तमान एज कितनी होगी, मेरी एज होगी 26 साल, तो ऑप्शन ए जो था वो क्या था इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो ये फिक्स है वैल्यू, टोटल 20 विकर्ण जो हैं, टोटल 20 डायगोनल जो हैं वो इसके होते हैं। उसके बाद लोग वाला एक क्वेश्चन था, आप इसको खुद ट्राई कीजिए, आई थिंक इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी आएगा, आप इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बोला गया था यदि दो शंकुओं का आयतन का अनुपात 2:3 दिया गया है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 दिया गया, तो ऊंचाई आपको बतानी थी, तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है जी, पाई आर स्क्वायर का एच आपने फॉर्मूला लगाया, ये आ गया इनका आयतन पाई आर स्क्वायर एच और नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इनकी रेशो कितनी दी गई है 2 और 3, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आप भरिए यहां पर, तो आर स्क्वायर आधार पहली त्रिज्या कितनी दी गई है 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया एच, एच से एच नहीं काटना है क्योंकि ये दो शंकु हैं, इसका मतलब है ये H1 ले लीजिए और ये H2 ले लीजिए, कुछ ऐसा आप इसको मान के चल सकते हैं। उसके बाद नीचे आर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, त्रिज्या दूसरी 2 दी गई है, ये आ जाएगा H2 और ये आ जाएगा 2/3। अब ये 4 कहाँ जाएगा नीचे से, ये चला जाएगा इस तरफ और यहाँ पर 1 तो खत्म ही है, तो H1/H2 की वैल्यू क्या जाएगी 4 को 2 से करेंगे 8/3, यानी कि 8:3, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या था बिल्कुल राइट आंसर था। उसके देखिए फिर से अच्छा क्वेश्चन था, जब भी अपोन में कोई वैल्यू दी जाती है
तो वो उसी की वैल्यू होती है, यानी कि ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी 4। तो सबको आप ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4, और डिवाइडेड बाय क्या था, बी था, बी की वैल्यू 3 थी, 4 3 7 और 2 9, 9/3 का मतलब कितना जाएगा 3, कटिंग होगी, ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, cos 123 डिग्री, ये जो cos 100 तक जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर बनना है वो बनना है हमारे पास आई थिंक 0। एक बार चेक कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन था रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, आपका पूछा गया था रेशियो प्रोपोर्शन से, 2a = 2b, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 3b, तो यहाँ से b को दूसरी तरफ ले जाइए और 2 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई, a ratio b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 2 आ गई। फिर वैसे ही दूसरी टर्म को सॉल्व कीजिए, कितना दिया गया था, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 3b की वैल्यू किसके इक्वल है, 4c के, तो b/c किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3, यानी कि b/c किसके इक्वल आ गया, 4:3। अब रेशो का फॉर्मूला लगाइए, a/b/c, ab की वैल्यू 3 और 2, जेड रूल भी आप लगा सकते हैं, bc की वैल्यू 4 और 3, 2 आगे जाएगा, 4 आगे आएगा, 4 3 12, 4 2 8, 3 2 6। अब ये रेशो हमारा आ गया, लेकिन रेशो एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबको काट के आए, तो ये वैल्यू कट जाएगी, 12 कटा 6 बार, 8 कटा 4 बार, 6 कटा 3 बार, 6 4 3, तो आंसर कौन सा था, 6 4 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिल का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी जो है वो तय करता है, ये आपको बोला गया था क्वेश्चन में। तो जब भी कोई एक पहिया जो है वो अपनी दूरी तय करता है, तो हमेशा उसकी दूरी को जो है वो उसके परिमाप में या फिर सरकमफ्रांस में कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जो एक पहिया है, एक वृत्त जो उसने बनाया, वो बनेगा 2πr की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बनेगा, 2πr की फॉर्म में बनेगा। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो यहां पर लग जाएगा, 2πr की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2πr, यानी कि एक चक्कर जब उसने लगाया तो 440 मीटर वो चला, और पहिया कितनी बार घूमा, 1000 बार। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, हमसे रेडियस पूछी थी, सॉरी व्यास पूछा था, तो पहले रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, आर इसी तरफ रहेगा, 444/1000 ऐसे ही है, 2 ऊपर से जहां जाएगा नीचे, और पाई की वैल्यू 22/7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22। तो ये 10 से 10, 44 से ये 44 कट गया, और आंसर कितना आ गया, 7/100। तो ये आंसर कितना बनेगा, 0.07, ये रेडियस आ गई। अब रेडियस का डबल कितना, रेडियस का डबल व्यास, तो 7 का डबल कितना, 14, तो आंसर था ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर था। उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन था, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, यानी कि 24 कैरेट की वैल्यू कितनी दी गई है, 100%, तो 1 कैरेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/24। ये तीसरी चौथी क्लास में एक क्वेश्चन आता था कि 10 पेंसिलों का मूल्य 100 रुपये है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, या 15 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, तो बस वैसा क्वेश्चन है, 24 की वैल्यू दी गई है आपके पास 100%, 1 की वैल्यू निकाली तो 24 आ जाएगा नीचे, अब किसकी वैल्यू पूछी है, 22 की, तो गुणा किससे करेंगे, 22 से करेंगे, कटिंग कर दीजिए आप, ये कट जाएगा आपका 12 में, ये कट जाएगा 11 में, उसके बाद ये कट जाएगा 100 आपका किसमें, 4 से काटिए 25 बार, ये कट जाएगा आपका 3 बार, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 25 को 11 से गुणा किया तो ये बनेगा 275, 25 को 10 से करूंगा 250, और 25 और 275/3, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए, 91 2/3%, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हमारा ये 120 क्वेश्चन, ये सीरीज हमने सी जो है वो सॉल्व की है, और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको मैथ जो है वो इसमें करवाया है। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, सबसे बड़ी रकम आपको बतानी थी, फिर से इसमें ट्रिक का आप यूज जो है तो वो कर सकते थे, 4 लगातार विषम संख्याओं, यानी कि ये पहली संख्या, दूसरी, तीसरी और चौथी, जो भी औसत है वो हमेशा नंबरों के मिडल में आती है, यानी कि इन 2 नंबरों के बीच का जो नंबर है वो कितना है, 40 है। अब बोला है विषम संख्याएं, 40 से पीछे कौन सी संख्या, 39, 39 से पीछे
38, लेकिन हम 38 नहीं लेंगे क्योंकि हमें क्या बोला है, विषम संख्याएं, यानी कि हमें बोला गया है ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन सा आता है, 39 के पीछे आता है 37, 39 के बाद कौन सा 41 और उसके बाद 43। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया, वो आ गया 43। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। जल्दी ही जीके का सेक्शन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स जो है वो मैथ के सेक्शन से बने हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, ऐसी ही क्लासेस के लिए आप विजयपथ एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप विजयपथ एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट ऑनलाइन बैचेस जो हैं वो हमारे परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको www.vijaypatheducation.com के ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो भी आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय हिमाचल।